So let us try to understand about the रेलिंग स्कैटरिंग। तो रेलिंग स्कैटरिंग को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग एज यू नो इट इज सिंपली द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सनलाइट की बात करेंगे, व्हेन सनलाइट एंटर्स आवर एटमोसफियर तो इट गेट्स स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोसफियर। तो एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट वी कैन कॉल ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब अगर हम रेले स्कैटरिंग की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पार्टिकल है, एक एयर मॉलिक्यूल है या कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई सा भी मीडियम मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो लेट दैट पार्टिकल साइज जो है या उसका वॉल्यूम जो मैंने लिया हुआ है डेट बी वी। इस पार्टिकल का दूसरा नाम जो है डेट इज स्कैटरर, वी कैन कॉल इज ए स्कैटरर बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो मेरे पास एक पार्टिकल है, उसका वॉल्यूम मैंने वी लिया हुआ है और यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा लेट डेट बी कैपिटल ए हेयर, एंड जो इसकी वेवलेंथ होगी लेट डेट बी लैम्बडा। तो ये इंसिडेंट लाइट है। ये जब किसी पार्टिकल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर एयर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। तो किसी पार्टिकल पे जब ये स्ट्राइक करेगी इंसिडेंट लाइट, नाउ इट विल गेट स्कैटर्ड। और जो ये स्कैटर्ड रेडिएशन है या जो स्कैटर्ड लाइट है उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, स्मॉल ए, एट सम पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। यानी इस मॉलिक्यूल से अगर हम आर डिस्टेंस पे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हेयर, तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड लाइट का एम्पलीट्यूड होगा दैट इज स्मॉल ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग, लॉर्ड रेले हैज गिवन अस ए फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू हिम जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट होता है, यानी इस लाइट का एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट विच इज आर सेंटीमीटर्स और व्हाट्स एवर बी द यूनिट्स, इट्स अ डिस्टेंस ऑफ आर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। एक ऐसे पॉइंट पे एम्पलीट्यूड देखना है डेट उसकी उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मॉलिक्यूल या फ्रॉम द स्कैटरर, वो हमने आर ले ली है। तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना होगा स्कैटरिंग लाइट का या स्कैटर्ड लाइट का, दैट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय लॉर्ड रेले एंड ही हैज गिवन अस अ फॉर्मूला ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, वेयर कैपिटल इज हियर द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट, वी वी इज द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द स्कैटर और स्कैटरिंग पार्टिकल, आर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल वायर यू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, एंड लैम्बडा लैम्बडा इज द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रेडिएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द मॉलिक्यूल। नाउ यू नो दैट द इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो होती है दैट इज प्रपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो ये स्कैटर्ड लाइट है इसकी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करना है, लेकिन एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास आरई रिलेशन अवेलेबल है। सो वी पुट दिस रिलेशन हेयर, सो वी गेट आई एस इज प्रपोर्शनल टू कैपिटल ए स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड लैम्बडा रेज्ड पावर फोर, बिकॉज इट इज लैम्बडा स्क्वायर सो इट इज स्क्वायर विल बिकम लैम्बडा रेज्ड पावर फोर। नाउ ए ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड आर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटरर इट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, एंड वी वी इज द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकल इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो दीज थ्री क्वान्टिटीज दीज आर कॉन्स्टेंट,
So we can write the intensity of scattered light is inversely proportional to lambda raised to power 4. So intensity is inversely related with fourth power of wavelength. So this is what we call as Rayleigh scattering formula. So according to Rayleigh, intensity of scattered light varies inversely with the fourth power of wavelength. Agar incident radiation ki wavelength zyada hogi, to wo kam scatter hogi. Aur agar incident radiation ki wavelength kam hogi, to wo zyada scatter hogi. Lekin ye sab tabhi possible hai jab x here it is the size of this molecule, scattering molecule or scatterer, iska size jo hai x, here size se aap diameter ka bhi andaza laga sakte ho. It is, you can just say it's diameter of this particle or the scattering molecule. So x is size or diameter, it should be very very less than the incident wavelength. Jo incident wavelength hai usse bahut kam hona chahiye particle ka size. जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये वाली कंडीशन जो रेलिक स्कैटरिंग की है, दिस इज ट्रू. सो रेलिक स्कैटरिंग जो है लैम्डा एंड लैम्डा इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा, ये तभी ट्रू है जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रेडिएशन, द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है. सो ये जो कंक्लूजन है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 एज फार एज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दीज कंक्लूजन्स वर लेटर वेरीफाइड बाय टिंडल. ठीक है. और जो हमारे पास ये स्कैटरिंग, अब हम मान के चलते हैं कि जो ये पार्टिकल है इसका साइज जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, तो हम मान के चलते हैं दिस स्कैटरिंग जो यहाँ पर मैं ड्रा की है इट इज़ रेलिक स्कैटरिंग. सो अगर ऐसा केस है तो हमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेव लेंथ या उसकी फ्रिक्वेंसी डेट इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. डेट इज वॉट आई हैव रिटन हियर, देर इज नो चेंज इन द वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी. लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड द पार्टिकल इटसेल्फ. इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं रहा, देन दिस कंडीशन इज वैलिड. जो आपके पास स्कैटरिंग लाइट होगी उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी एज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सो ये जो कोलिजन यहाँ पर हो रहा है इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर का, इट इज वी कैन से इट इज एन इलास्टिक ओरिजिन, इसमें कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता है. लेकिन कभी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनर्जी अवेलेबल टू दिस पार्टिकल. तो उस केस में क्या होगा, ये पार्टिकल इस वेव से, इस लाइट से एनर्जी रिसीव करेगा, तो जो स्कैटरिंग लाइट होगी, स्कैटर्ड लाइट होगी, इसकी एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम होने का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उस वक्त उसकी जो वेव लेंथ वो ज़्यादा होगी. लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा. या ऐसा भी हो सकता है कि जो आरईडी वेव आ रही है उसकी एनर्जी कम है और जो हमारे पास स्कैटर पार्टिकल है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये हायर एनर्जी स्टेट में है, तो ये एनर्जी रिसीव, ये एनर्जी देगा, इट दिस विल डोनेट द एनर्जी टू दिस इंसिडेंट रेडिएशन. तो उस केस में जो हमारे पास स्कैटर्ड लाइट होगी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा होगी और वेव लेंथ कॉन्स्टेंटली कम होगी. सो उन केसेस में देयर इज अ चेंज इन वेव लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, बट एज फार एज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू थिंग्स, देर इज नो चेंज इन द वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी. ठीक है. अब रहा केस कि अब अगर ये वाली कंडीशन सेट्सफाई नहीं होती है, जो हमारे पास पार्टिकल है इसका साइज ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो उस केस में जो रेलिक स्कैटरिंग है डेट इज़ नॉट वैलिड. उस केस में क्या होगा,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस केस में जो भी वेव लेंथेज आएंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूँगा, विजिबल लाइट में हमारे पास यू नो सेवन कलर्स हैं, तो ये सातवें कलर जो हैं, ये सातों कलर क्या होंगे, दे विल बी स्कैटर्ड इक्वली। तो इनमें ये वाली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज इस टाइम पे जो हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल है दैट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ। ठीक है, सो इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एक रेले स्कैटर में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इंटेंसिटी और लैम्डा का जो इनवर्स रिलेशन है ये तभी हम मानेंगे जब हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी। सो आई होप आपने क्वेश्चन ये स्कैटरिंग अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।